न्यूज ट्रैक में आप तमाम लोगों का स्वागत है और इस्तकबाल है। फिर से एक नई बुलेटिन में आपको ले चलते हैं जहां पे ढेर सारी खबरें होंगी। सबसे पहली खबर है जर्नलिज्म। हिंदुस्तान में जर्नलिज्म इस हद तक गिर चुकी है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। जर्नलिज्म चिल्लाने का नाम नहीं है। जर्नलिज्म जोर जोर से डिबेट में आने वाले लोगों को धमकाने का नाम नहीं है। डिबेट में आने वाले लोगों की बेइज्जती करने का नाम जर्नलिज्म नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की जर्नलिज्म इस हद तक गिर चुकी है कि आज कोई भी इस जर्नलिज्म पे एतबार करने से बहुत ही कतराते हैं। जिंदगी के तकरीबन 40 साल जर्नलिज्म में गुजारे हैं, लेकिन ऐसी जर्नलिज्म मैंने आज तक नहीं देखी। प्रिंट मीडिया तकरीबन खत्म होने को है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज बड़े जोर शोर से चल रहा है। तकरीबन हिंदुस्तान में 10,000 से ज्यादा चैनल है। मखसूस तबके को नशाना बनाना जर्नलिज्म नहीं है। किसी मखसूस कौम को नशाना बनाना जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म का असल मकसद है कि लोगों तक सही बात पहुंचाई जाए। आज का जर्नलिज्म, आज का मीडिया बेइंतहा गिरा हुआ है। किसी कौम को नशाना बनाना उनका यह पहला हक है। किसी कौम के बारे में गलतफहमी पैदा करना उनका यह पहला हक है। किसी कौम के बारे में बुरा भला करना उनका पहला हक बन गया है। जर्नलिज्म एक ऐसा पेशा है जहाँ पे लोग एतबार करते हैं। ये चौथा सुकून है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन जर्नलिज्म इस वक्त इस हाल में है कि हर एक किसी को नशाने में बनाया हुआ है। इस हद तक गिराने में सबसे बड़ा हाथ है पैसा, रुपया। यहाँ पे लेकर लोग किसी के बारे में कोई भी गलतफहमी पैदा करते हैं और किसी भी मजहब को, किसी भी कौम को नीचा दिखाने की बेइंतहा कोशिश करते हैं। हम चैनल से ये इल्तिजा करते हैं कि वो अपना काम सही तरीके से करें ताकि लोग आप पे एतबार कर सके। की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि जमातियों को लेकर सामने आ रही है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफआईआर को उनके खिलाफ जो दर्ज कराई गई थी उसे रद्द कर दिया है। कोर्ट ने तमाम मीडिया हाउसेस को भी फटकार लगाई और कहा कि कहीं ना कहीं संक्रमण फैलाने को लेकर एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के लोग परेशान है और इससे मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस वबा से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि गवर्नमेंट के बताए हुए तमाम तरीकों पर आप सख्ती से अमल करें, जैसा मास्किंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है और सैनिटाइजेशन है। इसी के चलते हुए 20 अगस्त से 23 अगस्त तक गांधीनगर में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था, जिसकी सदारत अब्दुल गफूर की वाली ने की, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, और इनके साथ दे रहे थे अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम के सदर जनाब आसिफ सेठ ने, और उनके साथ थे गांधीनगर के कॉर्पोरेटर नायकवाड़ी ने। लेकिन इस प्रोग्राम के रूए रवा थे डॉक्टर आसिफ मंगल, जिन्होंने फर्दन हर्षित से मिलकर कोरोना वायरस की वबा से के तमाम तदाबीर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसका उन्होंने तमाम लोगों से जिक्र किया। कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि बेलगाम में किसी भी हॉस्पिटल में इन अफराद का इलाज करने के लिए बेड्स अवेलेबल नहीं थे। बेलगाम के बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल अपने नोटिस बोर्ड पे नोटिस भी लगा रखी थी कि हमारे यहाँ कोविड-19 से मुतासिर होने वाले लोगों का इलाज नहीं किया जाएगा। ये मसला एक हॉस्पिटल ने हल कर दिया है। बेलगाम का एक मशहूर हॉस्पिटल यश हॉस्पिटल, उन्होंने होम सर्विस का इंतजाम किया गया। जो अफराद कोविड-19 से मुतासिर हो रहे हैं उन्हें अब हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। सावन का महीना और पवन का रेशोर, बरसात बारिश मौसलाधार हो रही है, लोग बेइंतहा परेशान हो रहे हैं। बेलगाम के तमाम तर इलाकों में बारिश का पानी भर चुका है, जहां पे रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं। बारिश की वजह से लोगों का रास्ते पर चलना, अपनी सवारियां ले जाना बेइंतहा दुश्वार हो गया है। के एमएलए जनाब बी एस जमीर अहमद के जेर तमाम एक नॉन कोविड हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ, जिसमें खुद बी एस जमीर अहमद साहब मौजूद नहीं थे क्योंकि वो कोरोना वायरस से मुतासिर है। कोरोना के इस दौर में अस्पताल में इलाज पाना एक मुश्किल फाल बन चुका है। गैर कोरोना पेशेंट के लिए अस्पताल में इलाज पाना और अस्पताल में दाखिला लेना बहुत ही मुश्किल काम है। इसी वजह से बीजर जमीर अहमद खान ने नॉन कोविड अस्पताल बनाने का मंसूबा बनाया था। इसी के तहत इन्होंने जेजेआर नगर में एक शादी महल को अस्पताल में बदल दिया था। इसी अस्पताल का आज इफ्तिताह अमल में आया। बीजेड जमीर अहमद खान खुद कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में जेरे इलाज हैं। इसी वजह से
उनके करीबी साथी अल्ताफ खान ने इस अस्पताल का इफ्तिताह किया। 40 बेड के इस अस्पताल में कोविड टेस्ट के बाद इलाज होगा और ये इलाज मुकम्मल मुफ्त रहेगा। आमिर खान जो हमेशा खबरों से दूर रहते हैं लेकिन मीडिया उनका पीछा नहीं छोड़ रही। आमिर खान पिछले हफ्ते तक में अपने फिल्म लाल चड्ढा की शूटिंग में मौजूद थे और उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट से मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर की जो उनकी ख्वाहिश को पूरा किया गया। It's really beautiful. It's really beautiful. IPL के मेन स्पॉन्सर वीवो ने इस बार IPL को स्पॉन्सर करने से इनकार कर दिया और बहुत सी कंपनियों ने इसे स्पॉन्सर करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन आखिर ड्रीम इलेवन ने ये मुकाबला जीत लिया और इस बार के मेन स्पॉन्सर हो गए ड्रीम इलेवन। T20 में आपकी बेनती है, दिलचस्पी है और हम आपको पल पल की खबरें दुबई से पहुंचाते रहेंगे। मैं तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूँ जो न्यूज़ ट्रैक को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं।